राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जयपुर शहर में लगातार अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इन्हीं अवैध निर्माण को लेकर के विधानसभा सांगानेर के जनसेवा के वार्ड पार्षद का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अवैध निर्माण को लेकर के विधानसभा सांगानेर के जनसेवा के वार्ड पार्षद का बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है और इस मामले में पार्षद का कहना है कि मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का यह पूरा मामला है और पार्षद का कहना है कि मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर के पार्षद जेडी के उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं और उन्होंने कहा कि मेरे को खर्चा पानी देना होगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पार्षद जेडीए के उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे को खर्चा पानी देना होगा। अब देखने की बात तो इसमें यह है कि जब जनता के रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो फिर आम जनता का आखिर क्या होगा। देखिए, न्यूज 19 पर इसका बड़ा खुलासा पार्षद व जेडीए जोन प्रवर्तन अधिकारी का।